मुझे प्यार सिखाए, तो वो कहता है कि तू दो अक्षर पढ़ के विद्वान बन गई, मुझे समझाएगी तू, और वो मारपीट शुरू कर देता है उसके साथ। तो आप लोग एक बार जोरदार जयकारा भारत माँ का लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा के कार्यक्रम अपने घर में संचारित नहीं करेगा। बोलो भारत माता की। और मैं पापा गरीब है इसलिए एक साथ शादी कर दिया। वापस जाने का विचार नहीं है वहाँ पे, मेरा तो वापस। आपने कोई लीगल सलाह दिया उससे? उससे तो ज्यादा परेशान करते हैं। मैं परेशान कब वो पढ़ाएंगी? हाँ सोच के। मेरा नाम रेखा है, मैं चाहती हूँ कि गांव में ऐसा होता है, वो जो घरेलू हिंसा होती है वो सब अत्याचार होते हैं। आप लोगों ने देखी है घरेलू हिंसा गांव में होते हुए? हाँ। कैसे, क्या होता है? हमेशा के हर घर में किसी के साथ झगड़ा होता रहता है, हमेशा झगड़ा होता रहता है। ओके। और जब अपना घर का खर्चा चलाती तो झगड़ा लगभग औरतों से ही शुरुआत होता है, आदमी तो लास्ट स्टेज पे जाकर उसको उसका जवाब देना पड़ता है। एरिया में बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यही है, घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा होती है। इस फिल्म से अगर इंसानियत जागेगी कुछ लोगों की या मानसिकता बदलेगी तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको ये फिल्म क्या आपको अत्याचार के बारे में? अत्याचार क्या, किस तरीके का अत्याचार? क्या आपने कभी अपने घर में हिंसा होती हुई देखी है? देखी है। कभी घरेलू हिंसा हुई? बाद में हुई। सास भी मारती है? सब मारते हैं। बच्चे कितने? तीन। बहुत मारते हैं। आने वाले समय में औरत की इज्जत उतनी हो जाएगी कि हम उसे जिस रूप में देखते हैं उस चीज़ के बारे में हम उसको मतलब क्या रूप हो जाए कि अपने ऊपर कोई छोटी सी अगर हिंसा होती है जो कि मतलब वो चीज़ गलत है उसको वो कहने की हिम्मत रख सकें। और मैं चाहूँगा कि ऐसी पिक्चरें आप बार बार दिखाएँ जिससे लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़े।